नमस्कार दोस्तों, आज पूरे देश ने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके अपने राजनीतिक अहंकार का तो परिचय दिया ही है। लोकसभा चुनाव में अपनी हार की आशंका को भी और स्पष्ट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिल के अंदर की बेचैनी, उनकी बौखलाहट, उनकी हड़बड़ाहट ईडी की कार्रवाई से साफ साफ दिखाई देती है। मामला कोर्ट में होने के बावजूद कोर्ट से निर्देश और तारीख मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है उसका लीगैलिटी से, ट्रुथ से कोई वास्ता नहीं है। सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भाजपा के राजनीतिक अहंकार की संतुष्टि के लिए की गई है, ये पूरा देश जान चुका है। भारतीय जनता पार्टी का अपना जो राजनीतिक इतिहास है, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उसमें भाजपा ने बहुत सारी भीषण और भयावह गलतियां की होंगी। भाजपा ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, देश की सबसे लोकप्रिय सरकार चलाने वाले मुखिया को गिरफ्तार करना भाजपा की न भूतों न भविष्यति किस्म की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी। आप सोच के देखिए, बिना सबूत के एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गैर संवैधानिक तरीके से रातों रात गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसका मतलब साफ है, इसके मायने साफ है, केंद्र की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर किसी से भय लगता है, अगर कोई सपने में आके उन्हें डराता है, अगर उन्हें अपनी पार्टी भाजपा का भविष्य गर्त में जाता हुआ दिखता है, तो उसके पीछे सिर्फ एक नाम नजर आता है, अरविंद केजरीवाल का। सिर्फ एक व्यक्ति नजर आता है, अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, अगर भाजपा किसी गलत फहमी में है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने से आम आदमी पार्टी के टॉप टियर के नेताओं को गिरफ्तार करने से आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को अगर आप खत्म कर लेंगे, तो मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं कि इस गफलत से जितनी जल्दी निकल जाओ उतना तुम्हारी राजनीतिक सेहत के लिए अच्छा है। बहुत सारे लोग आए, कई बार कोशिशें हुई आम आदमी पार्टी का मर्सिया पढ़ने की, लेकिन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी एक संगठन, एक व्यक्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा का नाम है, वह विचारधारा जो कट्टर ईमानदारी को आगे लेके चलती है, वह विचारधारा जो कट्टर देशभक्ति को आगे लेके चलती है, और वह विचारधारा जो राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जनसेवा का जरिया मानती है, इस विचार को आप नहीं गिरफ्तार कर सकते। अरविंद केजरीवाल नाम के आइडिया को आप नहीं अरेस्ट कर सकते।
ये आइडिया दिल्ली के बाद पंजाब पहुंचा, गुजरात पहुंचा, गोवा पहुंचा, देश के कोने कोने में पहुंच चुका है। आप एक अरविंद केजरीवाल आपने गिरफ्तार किया, आज दिल्ली की सड़कों पे सैकड़ों हजारों अरविंद केजरीवाल उस आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी भेजी हुई पुलिस के सामने सीना तान कर खड़े। क्या बौखलाहट है आपके अंदर, कैसी घबराहट है आपके अंदर? आपने आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को, विधायकों को जानवरों की तरह घसीट के बसों में ठूस के, और आप दिल्ली के बॉर्डर पे ले आके सोचते हैं कि जो तकलीफ आपने दिल्ली के लोगों को दी है वो कम हो जाएगी? नहीं कम होगी, न तो दिल्ली वालों की तकलीफ कम होगी, न देश की जनता की तकलीफ कम होगी। आपके अहंकार को देश देख रहा है। आपने झारखंड से सोरेन साहब को गिरफ्तार किया, आपने कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया है आपने, देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है आपने, जिस शख्स ने देश को मोहल्ला क्लिक दिया वर्ल्ड फेमस, उसको गिरफ्तार किया है आपने, और इस सबके बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना आपकी सबसे बड़ी और आखिरी राजनीतिक भूल साबित होगी। हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि आज जो विरोध का स्वर मुखर हुआ है दिल्ली की सड़कों पे, यह पीड़ा से उपजा हुआ स्वर है। आपने उनके चहेते नेता के गिराबान पे हाथ डाल के दिल्ली के लोगों पे जो जुल्म किया है, दिल्ली के लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है, आप भी अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि आगामी चुनाव में आपके राजनीतिक अहंकार के रंग से पोते हुए चेहरे पर दिल्ली और देश की जनता, पंजाब की जनता, गुजरात की जनता जोरदार तमाचा मारेगी। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं कि आपके इशारे पर, आपके कहने पर, आपकी लिखी हुई स्क्रिप्ट पर, बिना सबूत के सैकड़ों गिरफ्तारियों, हजार रेड के बावजूद कागज का एक टुकड़ा, पैसे की चवन्नी भर की वसूली जो ईडी नहीं कर पाई, उस ईडी ने जो गिरफ्तारी करी है, इसका हिसाब किताब आगामी चुनाव में दिल्ली और देश की जनता लेगी। हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग, दिल्ली की जनता, पंजाब के लोग अपने चहेते मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है। हम परेशान हैं उनकी सिक्योरिटी डिटेल के कॉम्प्रोमाइज होने से, उनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। हमारी तकलीफ यह है कि हमने भारतीय जनता पार्टी कितना नीचे जा सकती है अपने राजनीतिक अहंकार की संतुष्टि के लिए, वो देखा हुआ है, देश ने देखा हुआ है, देश जानता है। इसलिए थोड़ी भी लिहाज बाकी है, थोड़ी भी शर्म बाकी है तो अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल जी के परिवार को, उनके चाहने वालों को संतुष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हम इन भाजपाइयों से कहना चाहते हैं कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। धन्यवाद।